नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। उत्तर भारत के कई इलाके भारी बारिश की चपेट में हैं। अब तक बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और पंजाब में कम से कम 28 लोगों के मरने की, जबकि 22 अन्य के लापता होने की खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में रविवार को अकेले बारिश संबंधी घटनाओं में कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई है और 9 अन्य लोग घायल हो गए हैं, यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि 9 लोगों की मौत शिमला में, जबकि सोलन में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच एक बड़ी खबर रही। आपको बता दें कि उत्तराखंड में उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद आई तबाही में राहत सामग्री लेकर जा रहे एक हेलीकॉप्टर आज यानी बुधवार को दोपहर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। ASI जयदेव राणा ने बताया कि मोल्डी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना है, जिसमें आग लग गई थी। घटनास्थल पर NDRF की टीम पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर प्राइवेट एजेंसी का बताया जा रहा है, जिसका नंबर था BCHDF। इस हेलीकॉप्टर में 3 लोग सवार थे। हादसे में पायलट, को पायलट और एक स्थानीय व्यक्ति हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हेलीकॉप्टर मोल्डी से आपदा राहत सामान छोड़ने के बाद वापस आ रहा था। बता दें कि बीते रविवार को बादल फटने के बाद बाढ़ और भूस्खलन आ गया था। इस आपदा में 17 लोगों की मरने की खबर है, जबकि 15 लोग लापता हो गए हैं। आराकोट क्षेत्र के गाँव से अब तक 15 शव बरामद किए गए हैं। उधर दूसरी ओर यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ने से मंगलवार को दिल्ली में दूसरे दिन पुराना लोहे का पुल ट्रैफिक के लिए बंद रहा। वहीं देर शाम को इस पुल पर रेल यातायात भी बंद कर दिया गया। उत्तर रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि यमुना का जलस्तर बढ़ने पर यह निर्णय लिया गया है। बैरिकेड करके पैदल लोगों को भी पुल पर जाने से रोका जा रहा है। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्री पोस्ट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।